गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज बीएससी थर्ड ईयर पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स दैट मीन्स अगर किसी भी सॉलिड सब्सटेंस के ऊपर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर सब्सटेंस के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होती हैं। दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अलाइन हो जाते हैं। अलाइन होने की वजह से इसके अंदर एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इसीलिए उसमें से पास आउट होने वाला मैग्नेटिक फील्ड लगने लग जाता है। और एज कम्पेयर टू डायमैग्नेटिक सब्सटेंस से एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट रिप्रेजेंट करता है एज कम्पेयर टू डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस को पैरामैग्नेटिक मोमेंट कहा जाता है। डायमैग्नेटिज्म में हमने पढ़ चुके हैं कि जब हम किसी सब्सटेंस के ऊपर अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो रिपल्सिव शो करता है, जिसके कारण से उसकी स्ट्रेंथ वीक हो जाती है। यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स के कारण स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू डायमैग्नेटिज्म। There is one more property in paramagnetic substance, that is molecular of oxygen. Oxygen के अंदर कई number of free electron present होते हैं, मगर उसका paramagnetic effect जो है वो exceptional है। उसकी कोई कि ये ज़रूरी नहीं है कि free electrons present हैं तो वो paramagnetic property ही show करेगा। Oxygen में exceptional माना जाता है उसकी इसी property। Paramagnetic property में पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी में हम लोग ससेप्टेबिलिटी की बात करते हैं, क्योंकि ससेप्टेबिलिटी के बेसिस पे ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होती है। तो ससेप्टेबिलिटी की प्रॉपर्टी है दैट इज़ साई द्वारा ससेप्टेबिलिटी लिखी जाती है, एंड ससेप्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T, दैट इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। चूँकि प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब भी हम हटाते हैं तो कॉन्स्टेंट लगाते हैं, यहाँ हम लोग सी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सी का मतलब होता है दैट इज़ ए क्यूरी कॉन्स्टेंट, तो सी लगा देते हैं आयंस के लिए। सो दिस लॉ इज सेट टू बी अ क्यूरी लॉ कहा जाता है। क्यूरी लॉ रिप्रेजेंट करता है पैरामैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। चलिए, पैरामैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी फॉर आयरन एंड फॉर द फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज़ बेसिकली डिपेंड अपॉन द फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आयंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। और हम ये जानते हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम्स के अंदर पाउली एक्सक्लूजन सिद्धांत के आधार पर ही भरा जाता है। सो फॉर दैट जाई फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर से मुक्त होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो दैट इज़ अ फ्री ऑफ टेम्परेचर एंड इट्स वैल्यू इज ऑलवेज अ पॉजिटिव। चूँकि डायमैग्नेटिज्म में हमको नेगेटिव मिलती है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में हमको वैल्यू पॉजिटिव मिलती है, क्योंकि पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स आर अलाइन इन द सेम डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है उसी डायरेक्शन में मिलता है, इसलिए इसका वैल्यू पॉजिटिव होता है। चूँकि डायमैग्नेटिज्म में रिपल्सिव फोर्स के कारण उसका डायरेक्शन अलाइनमेंट अपोजिट हो जाता है, विपरीत दिशा में होता है, इसके कारण उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है। यह सिद्धांत क्लासिकल थ्योरी के आधार पर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, इसे केवल क्वांटम सिद्धांत के आधार पर ही समझाया जा सकता है। इसे समझने के लिए फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन मैग्नीशियम O2 MnSO4 Mn+2 दैट इज आयनिक, GD3+ दैट इज आयनिक। सो हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं किस किस के बीच में फ्री ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड उसकी स्ट्रेंथ दैट इज जाई के बीच में। तो ग्राफ जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस होता जाता है, इज वैल्यूज इंक्रीजिंग दैट इज स्टेबिलिटी इज डिक्रीजिंग एंड द वैल्यू ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग। दिस स्लाइड शोज द स्ट्रेट टाइप बिहेवियर फॉर आयंस एंड एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। In other words, if I use susceptibility and temperature, susceptibility or that is susceptibility psi is inversely proportional to 1/T, or either I can say 1/x. दोनों के बीच में अगर मैं ग्राफ प्लॉट करती हूँ
तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, दिस स्ट्रेट लाइन इज बिकॉज ऑफ टी बाय सी के कारण मिलती है फॉर आयंस और एटम्स के लिए। अगर मैं एम एच कर्व लिखती हूँ, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में अगर मैं ग्राफ खींचती हूँ तो भी मुझे एक स्ट्रेट लाइन पहले तो वेरी करता है, आफ्टर दैट देयर इज अ ग्रेजुअल, मतलब उसके बाद वैल्यू बढ़ना बंद हो जाती है एक बात में और सेकेंडली इंक्रीजेस, यानी मैग्नेटिक फील्ड तो अप्लाई बढ़ता जा रहा है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कॉन्स्टेंट हो जाती है। जब एम की वैल्यू बढ़ती है तो एज एच इज लीनियर, आफ्टर द कैटन वैल्यू ऑफ एच द स्पिनिंग वैल्यू इज अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। कहने का मतलब ये है कि जब किसी सब्सटेंस के ऊपर अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाई जाए तो इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ सब्सटेंस के अंदर की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी बढ़ती जाती है, पर जब सारे ही इलेक्ट्रॉन इसके साथ साथ अलाइन कर जाते हैं तो उसके बाद अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अगर अप्लाई करते हैं और सारे अलाइनमेंट एक कॉन्स्टेंट वैरी हो गए, इसलिए इसकी वैल्यू एच की वैल्यू बढ़ाने पर भी एम की वैल्यू नहीं बढ़ती। मैग्नेटाइजेशन फॉर द पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस अगर मुझे निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है एम इक्वल्स टू एन जी जे म्यू बी बी जी एक्स, जहाँ पर एन इज द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम है, जी इज द लैंडेज इफेक्टिव है, जे इज द टोटल एंगुलर मोमेंटम है, म्यू बी इज द बोहर मैग्नेट्रॉन और बी जी एक्स इज द ब्रोनोलिप इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स आई कैन से अगर मुझे एक्स का मान निकालना है तो दैट इज जी जी म्यू बी डॉट बी की बी एम के बी का मतलब होता है होल्ट्ज़मैन कांस्टेंट कहा जाता है। इस बेसिस पे मैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर सकती हूँ। इसी प्रॉपर्टी में आगे स्पेशल केस फॉर द स्पिन ऑफ हाफ पार्टिकल के लिए बात करते हैं। अगर हाफ ऑफ द पार्टिकल है तो एम इज इक्वल्स टू कैपिटल एम म्यू बी टेन हाइपरबोला म्यू बी डॉट बी के बी टी के द्वारा कैलकुलेट करते हैं, जहाँ पर म्यू बी दैट इज म्यू बी इज द मोहर मैग्नेट्रॉन है, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड वेरी वेरी लेस इन दैट के बी बाय टी, इट मीन्स हायर और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर से कम हो जाती है तो लेट म्यू बी डॉट बी बाय के टी इज इक्वल टू साइन, सो दैट म्यू की वैल्यू जो है इक्वल टू साइन होगी, सो साई इज वेरी लेस देन एच, तो हाइपरबोला एक्स इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू म्यू बी। इस पूरी क्वांटिटी हियर आई कैन सी कि ये जो पूरी क्वांटिटी है हाइपरबोला वाली, ये पूरी वैल्यू को हम थोड़ा अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसकी अपनी कम हो जाती है, अगर कम हो जाएगी तो के वी बहुत छोटा हो जाएगा इस कम्पेरेटिव, अगर ऐसा होता है तो जाई की वैल्यू वेरी लेस देन वन हो जाती है। अगर वन होगी तो हाइपरबोला की जो क्वांटिटी है ये इक्वल दैट इज अगर टेन हाइपरबोला एक्स बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट एक्स के बराबर होती है, अगर एक्स के बराबर होगी तो यहाँ म्यू बी टी बाई के बी टी, दैट मीन्स हाइपरबोला टेन हाइपरबोला म्यू बी बी अपॉन के बी टी इज इक्वल टू म्यू बी बी बाय के बी टी के बराबर हो जाएगी। अगर ये के बी टी के बराबर होती है तो वी कैन राइट दिस फॉर्म, ये फॉर्म हम लिख सकते हैं, देन एन बी इज इक्वल टू म्यू से म्यू बी वैल्यू स्क्वायर बी के बी टी। अब बी हमें पता है कि बी इज इक्वल टू म्यू जीरो एच होता है, बाय द प्रॉपर्टी वी हैव सीन दैट बी इज इक्वल्स टू म्यू जीरो, ये वैल्यू उठा के अपर वाली साइड के इक्वेशन के अंदर पुट कर देते
देन m इज इक्वल्स टू एल म्यू बी स्क्वायर म्यू बी एच बाई टी बी टी होगा। साई की वैल्यू होती है m अपॉन h, सो m की वैल्यू विल पुट हियर एंड विल गेट द ससेप्टेबिलिटी वैल्यू। चूँकि ससेप्टेबिलिटी वैल्यू साई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टी होती है, दैट इज डायरेक्टली इनवर्स, सारी वैल्यू कॉन्स्टेंट हो गई। अगर कॉन्स्टेंट हो जाती है तो आई कैन राइट साई इज इक्वल्स टू 1 बाई। इसी प्रॉपर्टी के अंदर, इसी स्पेशल प्रॉपर्टी में अगर आई वैल्यू म्यू बी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन के बी टी अगर हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाएगा। अगर ऐसा है तो देन टैन हाइपरबोला एक्स की वैल्यू इक्वेलेंट टू 1। तो हम लोग जो फॉर्मूला पढ़ चुके हैं दैट इज एम इज इक्वल टू एन म्यू बी टैन हाइपरबोला म्यू बी बी बाय के बी टी। इसमें जो प्रॉपर्टी के बी टी की हाइपरबोला वाली, ये पूरा टर्म है जो इज इक्वेलेंट टू 1 हो जाएगा। अगर 1 के बराबर है देन 1 के बराबर तो वी कैन राइट एम इज इक्वल्स टू एन म्यू बी, और साई एस की वैल्यू होती है एम अपॉन एस, वैल्यू पुट करेंगे तो विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एट इज लो एंड बी इज हाई। साई की वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर हो जाती है, जब टेम्परेचर बहुत कम होता है साई की वैल्यू ज़्यादा होती है। आई कैन सी दैट साई की वैल्यू जो है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यहाँ पे कहीं टेम्परेचर नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। जब बी की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी होती है तो इट इज़ ज़ाई इज़ फ्री फ्रॉम द टेम्परेचर।